तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे एटॉमिक मॉडल में दो तीन थ्योरी हुए थे, डाल्टन से एटॉमिक मॉडल, सब माइक ऑफ करके रखोगे अभी, रदरफोर्ड जेजे थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इनमें से फर्स्ट जो डाल्टन था उनका क्या कहना था, एटम यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ हो भी नहीं सकता, मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स एंड इट डज नॉट डिसोसिएटेड एनी अनदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यही इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब इनका थ्योरी था, और यही थ्योरी इनका क्या बना, फेलियर होने का रीजन, क्योंकि एटम्स भी छोटे पार्टिकल हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। सेकेंड जेजे थॉमसन क्या कहते थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया कि बताया कुछ एटम दिखता कैसा है, तो एटम होता है स्फेरिकल शेप का। जेजे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम बताया कि एटम कैसा है, स्फेरिकल शेप का, इसके बीच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और यही चीज इनका लिमिटेशन बना या कोई फेलियर का रीजन बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम जेजे थॉमसन ने भी नहीं एक्सप्लेन किया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब रदरफोर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन निकला, वो ऑब्जर्वेशन हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, लास्ट पॉइंट यही था, कंक्लूजन बचा हुआ था। तो ऑब्जर्वेशन में देखा उन्होंने, थ्री टाइप्स के ऑब्जर्वेशन उनको दिखा। फर्स्ट क्या होता है भाई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल when to stay time without any deflection goes to straight line या फिर wave direction, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, a few amount of alpha particles, क्या हुआ भाई, डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल, थीटा डिग्री एंगल लिख सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंस बैक। ये ऑब्जर्वेशन देखा, उससे उन्होंने रिजल्ट बताया, आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे रिजल्ट क्या आया भाई, उन्होंने सोचा कि एटम तो स्फेरिकल शेप होता है, इसके बीच सेंटर में एक हेवी मास एरिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस जो वर्ड है उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब रदरफोर्ड का अचीवमेंट बोला जाए तो उन्होंने बताया था न्यूक्लियस। तो उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल्स एटम से सीधा निकल गए, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स एटम से टकराए और सीधा निकल गए। उसके बाद कुछ पार्टिकल एटम से टकराए और जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गए, ये सीधा बिना डिफ्लेक्टेड हुए चल गए। अब कुछ अल्फा पार्टिकल एटम से टकराने के बाद उनका एंगल चेंज हो गया, ठीक है ना, ये सब अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ पे एंगल क्या हुआ, जाना था सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन ना जाके थोड़ा सा राइट और लेफ्ट की ओर मुड़ गया, ये इनका कंक्लूजन था, मैं या फिर बोल सकते रिजल्ट। तो उन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल याद रखना कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, सर वो एंटर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है,
अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने के कारण क्या होगा, अब देखो उन्होंने आइडिया लगाया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रही है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव चार्ज, तो उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ इसलिए मुड़ गया। न्यूक्लियस पे क्या होते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो प्लस चार्ज प्लस चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे कि नहीं करेंगे, मैग्नेट में दो पोल होते हैं भाई, एन एस लेके चलते हैं हम लोग, एन एन एक दूसरे को रिपल करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसे एस वाला पोल एस वाला पोल एक दूसरे को रिपल करता है कि नहीं? यस सर। तो वैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा न्यूक्लियस पे होते हैं, प्रोटॉन वो भी पॉजिटिव चार्ज, इनकेस थ्योरी से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुका था, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो टकराए और पार्टिकल वापस आ गया भाई, इसी को बोला उन्होंने बाउंस बैक हुए, कुछ बिना डिफ्लेक्टेड हुए, डिफ्लेक्टेड नहीं हुआ मतलब ये खाली जगह पर भैया पार्टिकल को पत्थर को उठाकर फेंक रहे, दीवार से टकराने के बाद पत्थर सीधा निकल गया, मतलब वो क्या होगा होलो रीजन होगा उस एरिया में, मतलब एम्प्टी स्पेस होगा, वैसे यहाँ पे एटम में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है जिसके कारण प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन बोल रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट डिफ्लेक्शन के सीधा चल गए। अब अल्फा पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो जाएंगे नेगेटिव चार्ज है, ये रास्ते में जा रहे हैं सीधे अपने धुन में, ठीक है ना, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा अपने धुन में जाया जा रहा था, यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन तो उसकी ओर मुड़ गया, जैसे लड़के लोग गुपचुप ठेला देख के समोसे का ठेला देख के रोड में जाते हैं उधर बाइक मोड़ लेते हैं, होता है कि नहीं होता, वैसे प्रोटॉन भी जा रहा था अपने धुन में, देखा यहाँ पे गुपचुप का ठेला है समोसे का ठेला लगा हुआ है, अच्छा खासा मत कुछ मिल रहा है भैया खाने का आइटम, तो चलो उधर मुड़ लेते हैं, तो बस ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने इस तरह से कंक्लूजन निकाला, जहां से इलेक्ट्रॉन विदाउट डिफ्लेक्शन के पार हुआ कहां से भैया स्ट्रेट लाइन वाला, उसको बोला एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम, वो क्या है एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम, जहां पे थीटा डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ तो वो कौन सा था भाई एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या था एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे पार्टिकल बाउंस बेक हुए, जहां पे पार्टिकल बाउंस बेक हुए वो क्या था भाई टकराया सीधा गया पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, हाँ हैवी डेंस एरिया उन्होंने बोला, हैवी डेंस एरिया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये था इनका ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट, ठीक है ना, या कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ऐसा दोनों लिख लो आप। अब वहां पे पॉइंट बनाया था ऑब्जर्वेशन में, वहां पे स्पेस बाकी था क्या, नहीं तो आज फिर तो ऑब्जर्वेशन को कॉपी पेस्ट करो और उसके आगे नोट करो। रिजल्ट क्या आया कंक्लूजन, एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम है, जहां पे थीटा डिग्री का डिफ्लेक्शन मिला वो एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहां पे पार्टिकल बाउंस बेक हुए वो कौन सा था हैवी डेंस एरिया ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। थर्ड वाला क्या था डेंस करके इसके आगे हैवी डेंस एरिया ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको नोट करो आप या फिर हटाओ एक अलग से यहाँ पे रिजल्ट लिखो, रिजल्ट ऐसा करके आप नोट कर लो, नोट करो रिजल्ट में ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज टू स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, तो वो एरिया कौन सा था एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम, अ फ्यू अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल थीटा एंगल, वो एरिया क्या था एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंस बैक, वो एरिया क्या था हाईली डेंस एरिया ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नोट करो ये पूरा चीजें, किसी को कोई डाउट है आप पूछ लो हमसे, कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है चलो, नहीं पूछना है तो नोट करो जल्दी से, कौन
कौन सा कंक्लूजन क्यों आया और ये स्ट्रक्चर क्यों बना, क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अब बता, इतना अच्छा खासा थ्योरी देने के बाद भी ये थ्योरी फेल हो गया, ठीक है ना? आज का जो मॉडर्न एटम है इसी टाइप का ही दिखता है ना भाई, स्फेरिकल से बीच में न्यूक्लियस, हाईली डेंस एरिया है, यहाँ पे नोट किया ना, हाईली डेंस एरिया ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एटम के, फिर भी ये थ्योरी फेल हुआ, बताओ क्यों? सबसे पहले असाइनमेंट नोट कर लो, यहाँ पे नोट करके अलग से असाइनमेंट में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डेस करके नोट कर लेना, रदरफोर्ड, ये कहीं नोट कर लो, भूल जाते हो, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सर माइक म्यूट हो गया। सर कॉन्टेलेशन पढ़ा ले स्टेट बोर्ड का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था भाई? डिस्कवरी रदरफोर्ड ने। यह रखना अब इसका लिमिटेशन, ये थ्योरी क्यों फेल हुआ, ये लिमिटेशन को आप लोग खुद बनाओगे स्टेटमेंट, ठीक है ना? ये होमवर्क रहेगा, लिमिटेशन या फेलियर रीजन नोट कर लेना। तो रदरफोर्ड कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर घूमेगा लेकिन इसका कोई पाथ फिक्स नहीं होता, इनके थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो भैया न्यूक्लियस पे कौन है बैठा? प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो कभी कभी घूमते हुए घूमते घूमते थक जाएगा और थक हार के क्या होगा, धीरे धीरे एटम के क्या होते जाएगा, न्यूक्लियस के क्लोज होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा तुम्हें बताओ, किसी के चक्कर काटते हो गोल गोल तो थक जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे ये सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर काट रहा है। अब चक्कर काटते काटते बेटा एक समय आ गया, थक गया, थकते हुए कहाँ पहुंच गया भाई, न्यूक्लियस से पहुंच गया। न्यूक्लियस पे कौन सा फर्स्ट पार्टिकल है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पता चला वहां पे जो प्रोटॉन है वो भी वो पॉजिटिव चार्ज है सेम वैल्यू के साथ, और इलेक्ट्रॉन भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो भी फिर एक दूसरे के जाने दुश्मन, ना रहा प्रोटॉन ना रहा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इसलिए ये भी क्या हो गया भाई, थ्योरी फेल हो गया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लोकेशन अच्छे से नहीं बताया था। क्लियर है सभी को? तो इलेक्ट्रॉन थक हार के, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखोगे स्टेटमेंट में थक हार के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है और एनर्जी कम हो जाएगा, तो एनर्जी कम होगा तो पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास पहुंच गया तो पहुंच जाएगा कहाँ, प्रोटॉन के पास। अब प्रोटॉन वेट कर रहा है यहाँ पे उसका। अब आप तो बताता हूँ, तो घूमते घामते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास पहुंच गया, प्रोटॉन उसका ठहरा जाने दुश्मन, दोनों एक दूसरे से लड़ाई किए हैं, ठीक है ना? प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध यही स्टार्ट हुआ, फिर उसका तीसरा भी यही हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, दोनों मर गए, तो नारा इलेक्ट्रॉन नारा प्रोटॉन, एटम बन गया खोखला गोला, और खोखले गोले को एटम नहीं बोलते। ये था थ्योरी, क्लियर है सबको? यस सर। इतनी सारी बातें तो बस एक शॉट में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑफ एटम डज नॉट डिफाइंड बाय रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अरे वाह, आ शॉर्ट नेम में राम हो गई है, तो डिफाइंड बाय रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्लियर है? बस एक लाइन में खत्म हो गया इतने सारे बकवास को, तो याद रहेगा, बना लोगे स्टेटमेंट सब? यस सर। ये सब बोर्ड पेपर में काम आते हैं आपके, ठीक है ना? यस सर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टार्ट होने वाला है, इससे आपके जेडब्ल्यूई और नीट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो
क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोट एटॉमिक मॉडल, ये तुम्हारे लिए नया है, बाकी सब कहीं ना कहीं पढ़ लेते हो, ये भी कई लोग पढ़े ही होंगे एटॉमिक मॉडल। सर पढ़े नाइन्थ में, पढ़े नाइन्थ में। कितना सर पढ़े, हम तो लगता है नाइन्थ ही नहीं पढ़े हैं अब तो, हमारे नाइन्थ में पढ़े हैं। बोट एटॉमिक मॉडल, तो इन्होंने थोड़ा सा बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहा इनका मॉडल का। रदरफोर्ड ने बताया क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि वो इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं होता, बस न्यूक्लियस की ओर घूमते रहता है। बस बोर ने यहाँ पे यह बोला, जो इलेक्ट्रॉन है, रुक जाओ, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें स्टेबिलिटी ऑफ एटम जैसे वो ठीक हो गया। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था सर करके, हेडिंग नोट करो, पॉस्टुलेट ऑफ बोट एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, पॉस्टुलेट ऑफ बोट एटॉमिक मॉडल, हेडिंग नोट करो उसमें, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है वही सब जो बोल रहे थे, एटम इज अ स्फेरिकल पार्टिकल। क्या हुआ बच्चा, क्यों माइक ऑन कर रहे हो बार बार, कोई तकलीफ है तो बोल लो। सर हमारे पास है। हाँ, तो पॉस्टुलेट में पहला पॉइंट सबका वही कॉमन है भैया, एटम इज अ स्फेरिकल पार्टिकल, इज अ माइक्रो स्फेरिकल पार्टिकल, माइक्रो मतलब छोटा, स्फेरिकल पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एटम्स के बारे में इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बता दिया उन्होंने, तो इन्होंने कहा एन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, अराउंड टू द न्यूक्लियस, एन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड टू द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड रेडियस एंड एनर्जी, नहीं बच्चा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल, ठीक है ना। ये चीज मेन चीज था जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फिक्स हो गया, जिसके कारण अब वाले स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर पहुंच नहीं पाएगा। तो वही है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड टू द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ सेल, और उन्होंने इसको बताया इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन, एन से रिप्रेजेंट किया। ये सेकेंड पॉस्टुलेट था। सर आपने पाथ एन एट सर्कुलर पाथ, अच्छा हाँ, रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, डेट इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, कंटेन एन एटम कंटेन इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल, इनफिनाइट का ही सिंबल है ना, इनफिनिटी का, तो एन एटम कंटेन इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल, एटम के पास जो ऑर्बिट और सेल होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे छोटा एटम हो या बड़ा एटम हो, तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। एटम स्फेरिकल है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ। अब पूरा सर्कुलर तो बना नहीं सकता क्योंकि बोर्ड का साइज कम पड़ जाएगा, इस तरह से जो ऑर्बिट होते हैं डेड डेज कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से इन्फिनाइट नंबर,
An atom contains infinite number of orbits or cells. इसे बोलते हैं ऑर्बिट और सेल, जो इनफिनाइट नंबर में होता है। उसका फोर्थ पॉइंट बोला सेंटर के बारे में, तो पहले ही पता चल गया था सेंटर को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। The center of atom, sorry, the center of atom is called nucleus, and it contains positive charge particles. It contains positive charge particles, proton, and negative charge particles. जीरो चार्ज या फिर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। तो एटम का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। ये फोर पॉइंट नोट करो जल्दी से, ये याद रखने वाले हैं, इसके बाद भी याद रखने वाले ही हैं। उनमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आने वाले पॉस्टुलेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, कोई चीज अगर रोटेट कर रहा है या घूम रहा है या स्पीड में है वेलोसिटी उसके पास, जैसे तुम ही दौड़ रहे हो ठीक है ना, तो तुम्हारा अपना एक मास होगा और अपना वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन घूम रहा ना, एक्सीलरेशन। कहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग? मोमेंटम भूल जाते हैं, मास इनटू वेलोसिटी को ही मोमेंटम बोलते हैं ना। याद आया कि नहीं आया? Yes, sir. देखो जमाई ले रहा है, बंद कर माइक को पहले। तो मास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, सर्कुलर पाथ में रोटेट किया जा रहा है, तो उसके पास अपने एक मास है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन मास पार्टिकल है तो रोटेट कर रहा है, उसके पास अपना मास, उसका वेलोसिटी है जिस स्पीड से भी रोटेट कर रहा होगा, रिवॉल्व हो रहा है मतलब घूम रहा है ना उसके चारों ओर, और एक रेडियस के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका मान लो यहाँ से बहुत सारे ऑर्बिट है ना, मान लो क्या उन्होंने बोला ये एटम में बहुत सारे ऑर्बिट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इसका रेडियस आर वन, दूसरे में रिवॉल्व करता है इसका आर टू, तीसरे में रिवॉल्व करता है इसका रेडियस आर थ्री, तो यहाँ पे मास इनटू रेडियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेडियस अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ पे अलग है, तो एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, सॉरी लिनियर मोमेंटम में क्या होता है, मास और वेलोसिटी यूज होता है, और जब तुम सर्कुलर पाथ में रोटेट करो तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज होता है, एक एंगल के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। सिंपल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और एक एंगुलर मोमेंटम होता है एक एंगल एक रेडियस के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम होता है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। जब एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसलिए रेडियस टर्म, तो ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ऐसे नोट कर लो, एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का,
मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम इनटू रेडियस इक्वल होता है किसके एच अपॉन टू पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो एन से वन से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो टू से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन थ्री से मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ में रिवॉल्व कर रहा है तो फोर से मल्टीप्लाई होगा, फाइव में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने इंटू होगा फाइव से। तो इंटीजर यूज हो रहा है वहां पे, इसी को बोला गया है इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। क्लियर है सभी को ये टर्म्स? इंटीग्रल की वर्ड यूज हुआ है तो एन का वैल्यू यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड सो वन। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था? तो वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बेटा रुको अभी, एंड सिंपल इंटीजर वन टू थ्री फोर एंड सो वन। एच प्लांक कॉन्स्टेंट, इस चीज को याद रखना, अभी आगे पता चलेगा एक थ्योरी है प्लांक थ्योरी। प्लांक कॉन्स्टेंट कोई कुछ बोल रहा था बोल लो। सर फ्रीक्वेंसी रूल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रूल यहाँ कहाँ है भाई तुम्हारे में केमिस्ट्री में? सर जो चीज जहाँ की वहां पूछो तो ज्यादा अच्छा लगते हैं। मेरा नेट अच्छा नहीं चल रहा, मैं रीएंटर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा कर लो, तो ये नोट कर लो। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। सेम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी आर रेडियस, एन का वैल्यू होता है वन टू थ्री एंड सो ऑन, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको याद रखना है, यूनिट है जूल सेकेंड, यूनिट क्या है जूल सेकेंड। और वन जूल इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस टू, ये होता है। इसको भी इस डाटा को भी याद रखना, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। नोट कर लो ये पूरा चीज फिफ्थ वाला, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस थ्योरी में। सर जल्दी एनर्जी कहाँ से मिलती है? हाँ कहाँ से मिलती है अब इसको कैसे बताएं? हर एक ऑर्बिट का अपना अपना अलग एनर्जी होता है, ठीक है ना? हर एक ऑर्बिट के पास अपने एक अलग एनर्जी होता है जिसके कारण रिवॉल्व हो सकता है वो, और ऐसे ही हो सकता है। कूलम का लॉ पढ़े हो? नहीं सर। दो अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है तो वहां पे भी अपने आप एक एनर्जी होता है। क्यू वन इंटू क्यू टू दो अपोजिट चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फिजिक्स में पढ़ोगे। यस सर। ठीक है ना, अगर यकीन नहीं है तो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उसके लिए क्या करो, वायर कहाँ से लेकर आ सकते हो? दो अपोजिट पोल, एक जगह गर्म पानी रखो और एक जगह आइस वाला पानी, आइस वाटर रख दो, और यहाँ पे क्या करो दोनों को यहाँ से एक बल्ब लो छोटा सा एकदम, जो बहुत ही कम वाट का जो झालर में यूज करते हैं ना वाला एक बल्ब लो और इसको कनेक्ट कर दो। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दो अलग अलग पोल के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, वो भी तो एक एनर्जी है ना। यस सर। ठीक है तो उस तरह से हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी जनरेट होता है। डन सर। ऐसा क्वेश्चन पूछो तो करो तो अच्छा लगता है टॉपिक से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो क्यों रिवॉल्व हो रहा है, उसका एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है नहीं, फ्रीक्वेंसी रूल पूछ रहे थे। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ तो ये था भैया वो फिजिक्स वाला टॉपिक है, तो ये फिजिक्स वाले सर से पूछना, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी रूल। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब समझ गया, सिंपल सा एक इंटीजर होगा जिसका वैल्यू वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में तो वन लोगे, सेकेंड ऑर्बिट में तो टू। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, अब देखो यहाँ पे हर एक ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस होगा,
नेक्स्ट, जैसे हम लोग सर्कल में बोलते हैं, सर्कल में सेंटर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते थे रेडियस, बोलते थे कि नहीं मैथ के टर्म में? यस सर। ठीक है ना, एक सर्कल, सर्कल के बीच में सेंटर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस या फिर पेरिफेरी, रेडियस बोलते हैं। तो ये, अब ये एटम, इसको सेंटर को क्या बोलते हैं? इसे एटम में सब क्या बोलते हैं बोलो? एटम का सेंटर क्या होता है भाई? एटॉमिक सेंटर। इसी को बोलते हैं आगे पार्ट, पीछे सपाट, सोलह दुनिया आठ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये फर्स्ट एन इक्वल टू वन है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, और ये थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो रेडियस आर वन, सेकेंड ऑर्बिट है तो रेडियस आर टू, और इसको थ्री। तो बोर्ड का कहना था जो एटम का सेंटर है मतलब न्यूक्लियस और ऑर्बिट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है। तो उन्होंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन, हमारे साथ बोलते थे डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू ऑर्बिट, या इसको बोलते हैं सेल, इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू ऑर्बिट, सेल हो गया यार, ऑर्बिट और सेल इज कॉल्ड रेडियस, इज कॉल्ड रेडियस। एंड जो रेडियस होता है वो होता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये पूरा आता है एंगस्ट्रॉम में, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था। ये नोट कर लिए फॉर्मूला, अगर यहाँ पे वन है तो आर वन हो जाएगा, इसका निकाल रहे तो ये आर टू, और एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ना नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑर्बिट, वन टू थ्री है वो ऑर्बिट से लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट बोला तो वन, सेकंड बोला तो सेकंड, और जेड क्या होता है बहुत पहले बता चुके हैं, क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर। चलो इसको भी नोट कर लो, ये सेकंड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू ऑर्बिट और सेल इज कॉल्ड रेडियस, तो भैया रेडियस वही है सेंटर से सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे सेंटर हो गया न्यूक्लियस, सर्कमफ्रेंस हो गया ऑर्बिट, मतलब रिश्ता वही सोचना है। ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि किसी का नजर ना लगे। नोट कर लिए सर, आज इतने दिक्कत, दो चार पॉस्टुलेट और बचेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।